नमस्ते दोस्तों, मैं बिमलेश असटपुरिया चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मखाने के पकौड़े बनाएंगे, ठीक है। तो आज मखाने के पकौड़े बनाएंगे, तो आप देखें कैसे बनाएंगे, और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं दोस्तों। चाहे सफर में ले जाएं, चाहे कहीं भी घर में भी बना के खा सकते हैं, नाश्ता में बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मखाने जितनी हमें जरूरत पड़ेगी वो आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा बेसन है, थोड़ी सी मूंगफली हमने ये थोड़ी पीस ली है, थोड़ी यानी मोटा दाना करके मूंगफली दाना है ये, और ये है चिरवा। तो चिरवा को हमने पीस लिया है, ठीक है, रोस्ट कर लिया ये, और रोस्ट करके थोड़ा हमने इसको पीस लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा तेल दिया, इसमें हम मखाने रोस्ट करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, तो थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। आधा चम्मच जीरा डाल दिया हमने, तो जीरा हमारा भुन गया। अब इनको हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से हम इनको तल लेंगे, ठीक है। चाहे आप जो मन पसंद हो ऑयल उसमें तल लें, या अगर देसी घी में तल लें। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। दोस्तों, तो ये मखाना हम डाल लेंगे, इनको हमने तल लिया अच्छे से तेल में, ठीक है। तो एक कटोरी हमारी ये मखाना है, तो एक कटोरी हमारे मखाने हैं। तो दोस्तों, इसमें से एक कटोरी, आधी कटोरी मतलब एक प्याज हमने काट लिया, इसको डालेंगे, और ये मूंगफली, एक प्याज काट लिया हमने ये बारीक, और ये मूंगफली, बस थोड़ी सी हमने ये मूंगफली डाली है, और ये बेसन, इतना सा हमने बेसन डाला है। और दोस्तों, हमने चिरवा जो भी आपको बताया था, तो इतना सा हम चिरवा डाल रहे हैं। एक कटोरी हमारा चिरवा था, बस। दोस्तों, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ठीक है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, और थोड़ी सी मिर्ची भी डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो दोस्तों, दो चम्मच हम तेल भी डालेंगे इसमें, बस। अब इसको हम अगर हमें बेसन की जरूरत पड़ेगी तो और डालेंगे हम। तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे दोस्तों, आधा चम्मच, ठीक है।
चुरवा ये डाल दिया। तो दोस्तों ये चुरवा का आटा जो बचा और ये भी हम डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारा कम है मसाला कम है। अब सही है, अभी मटर हमारा सही से नहीं बना, तो थोड़ा सा बेसन और डालेंगे, बस थोड़ी मिर्ची और डालेंगे, कम लग रही है मुझे। एक बार बना के जरूर देखना, बहुत अच्छे लगते हैं ये। इसमें दोस्तों एक गिलास पानी लग गया, ठीक है। बस बैटर हमारा इस तरह से होना चाहिए, बहुत अच्छा बन गया। अगर और ढीला चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल लेना। तो दोस्तों इधर देखा दोस्तों, थोड़ा हम ये जलजीरा डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सेकेंगे इनको, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हमारे देख लो ये इस तरह से सिक गए हैं, अब इनको हम पलटेंगे, ठीक है। इनको हम अब पलट देंगे, बस अब ये सीख जाएंगे। हम सारे ऐसे इसी तरह से सेक लेंगे और फिर इनको हम निकाल लेंगे। तो बस अब ये सीख गए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे सेंकले हमारे तैयार हो गए, ठीक है। तो मखाने के और चिरवा के हमारे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, आप बना के देखना। अगर कुरकुरे अगर ज्यादा चाहिए तो थोड़ा गेहूं का आटा डाल ले, ठीक है। और इनको लाइक ज्यादा करना और शेयर करना ज्यादा ज्यादा, और सतपुरिया चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों बहुत अच्छे है, चाहे सफर में ले जाए चाहे घर पर रहे, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इनको, ठीक है। नमस्ते, फिर अगली रेसिपी में मिलेंगे।